नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। दुनिया में कोरोना वायरस के कारण मौतों की संख्या 40 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को मौतों की संख्या 4 मिलियन के पार हुई और अभी भी कोरोना का कहर दुनिया भर में जारी है। दुनिया में कई देशों में कोरोना के मामले कुछ हद तक कंट्रोल में आए हैं, लेकिन डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरियंट के अचानक आने के कारण फिर से संकट बढ़ने लगा है। कई देशों में नए वेरिएंट ने तबाही मचाना भी शुरू कर दी है। कोरोना के कारण शुरुआती 20 लाख मौतें एक साल में हुई, जबकि आखिरी 20 लाख का आंकड़ा सिर्फ 186 दिनों के भीतर ही पार हो गया। ये बताता है कि समय बीतने के साथ साथ कोरोना और भी खतरनाक होता गया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पिछले दिनों काफी तबाही मचाई। तेजी से संक्रमितों और मृतकों के आंकड़ों में भारी बढ़ोतरी भी हुई थी। अभी दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई है कि एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर की चेतावनी दे दी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 3 महीने के बाद देश में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। दुनिया में कोरोना के कारण जिन 5 देशों में सबसे अधिक मौतें हुई हैं, उनमें अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस और मैक्सिको का नाम शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में कोरोना के कारण हुई मौतों का 50% हिस्सा इन्हीं देशों से आता है, जबकि अगर जनसंख्या में मृत्यु दर के हिसाब से इस आंकड़े को देखें तो पेरू, हंगरी, बोस्निया, चेक रिपब्लिक जैसे देशों का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। रिसर्च के मुताबिक जून के महीने में कोरोना से प्रभावित होने वाले 10 में से 9 देश लैटिन अमेरिका क्षेत्र से आते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट के एक रॉयटर्स पोल में मालूम चला है कि अक्टूबर तक भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका है। महामारी कम से कम एक और साल के लिए पब्लिक हेल्थ पर खतरा बनी रहेगी। दुनिया भर के 40 स्वास्थ्य विशेषज्ञों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों ने महामारी वैज्ञानिक और प्रोफेसरों के 3 से 17 जून के बीच किए गए स्नैप सर्वे से पता चला है कि नए प्रकोप को कुछ कम करने में वैक्सीनेशन अभियान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तीसरी लहर के मद्देनजर भारत सरकार और राज्य सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी करने में जुटी हैं। वहीं देश की जनता कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाते बाजार में सैर सपाटा करते देखी जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के कम होने पर सरकार ने कर्फ्यू में छूट दी तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, पर सरकार जनता को लगातार सतर्क कर रही है। वहीं विदेशों में नए वेरिएंट ने तबाही मचाना भी शुरू कर दिया है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके हम संक्रमण से बच सकते हैं, इसके प्रति जनता को लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे को इसके प्रति और ध्यान दिलाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।